श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति कोटा के तत्वावधान में विगत विश्व प्रसिद्ध अनंत चतुर्दशी महोत्सव में कला का प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा बहन मंडलियों अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा मार्ग को साज सज्जा युक्त बनाने वाले व्यापारिक संगठनों एवं सेवाभावी संगठनों का सम्मान समारोह रविवार को मौजी बाबा गुफा पर सम्पन्न हुआ। महामंडलेश्वर एवं श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति की अध्यक्षा हेमा सरस्वती के कर कमलों से विभिन्न अखाड़ों एवं भजन मंडलियों व्यापारिक संगठनों का शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गोदावरी धाम के महंत शैलेंद्र भार्गव, संभागीय अध्यक्ष राधा बल्लभ शर्मा, कोटा जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, पंडित गोविंद शर्मा, जटाशंकर शर्मा महोत्सव आयोजन समिति के संयोजक राजेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी, पूर्व संयोजक दिनेश सोनी समेत आयोजन समिति से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। वहीं भिंड जिलों से पधारे अखाड़ा भजन मंडलियां व्यापारिक संगठन उपस्थित रहे। तत्वावधान में सम्मान समारोह श्री मौजी बाबा पावन धाम आश्रम में आयोजित किया गया और इस सम्मान समारोह में जिनकी गरिमामय उपस्थिति रही, ऐसे हमारे प्रभारी श्री राजेंद्र जी जैन, श्री जटाशंकर जी शर्मा, हमारे गोदावरी धाम के संस्थापक संचालक भैया श्री शैलेंद्र जी भार्गव और विभिन्न समस्त अखाड़ों के पदाधिकारी, साधु झांकी और अनेक प्रकार के और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जो अधिकारी हैं वो सब पधारे और आज उनका सम्मान यहाँ पर समिति के द्वारा किया गया। क्योंकि सम्मान इसलिए किया जाता है कि ताकि जितने भी कार्यकर्ता हैं, बंधु हैं और समिति के पदाधिकारी हैं, उन सब में एक नया जोश, उत्साह और उनका हौसला बढ़ सके, जिससे ये जो आज का कार्यक्रम है वर्ष 2022 में श्री अनंत चतुर्दशी आयोजन समिति में जिन महानुभावों ने अखाड़ों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, स्वागत करता हूँ उन्हें, जो पूरे मार्ग में जो सभी समाज का सहयोग किया, अखाड़े वालों का सहयोग किया, उनका जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गणेश जी की झांकियाँ बना के लाए, उन सबका आज 2022 में जो निकाला उनका सहयोग किया, स्वागत किया गया है आज का एक कार्यक्रम। इसके बाद में आगे की जो हमारी 2023 की तैयारियां हैं वो इसके बाद प्रारंभ हो जाएगी। 73 अखाड़े इसमें कुल निकले थे, 125 झांकियां इसमें निकली है।